आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूँ मीनल, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतर। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बीती रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। सुषमा के निधन पर देश और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने दुख व्यक्त किया। बुधवार शाम को दिल्ली के लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। उनके निधन को लेकर दिल्ली व हरियाणा में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम दिग्गज लोगों ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सुषमा स्वराज के पति स्वराज कौशल को देखते ही रो पड़े। प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति नायडू की आंखें भी नम थीं। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को भाजपा मुख्यालय में दोपहर 3 बजे तक रखा गया था। इसके बाद अंतिम यात्रा लोधी रोड स्थित शवदाह गृह तक पहुंची। बीजेपी मुख्यालय से जब सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को ले जाया गया तो राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल ने उनको कंधा दिया। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित करने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बाबा रामदेव, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, भाजपा सांसद हेमा मालिनी, केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा प्रमुख मायावती, कैलाश सत्यार्थी, सपा सांसद रामगोपाल यादव समेत कई हस्तियां पहुंची। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि वे मुझे रक्षाबंधन पर बहुत याद आएंगी। उन्नाव रेप कांड को लेकर सीबीआई ने जज से कहा कि हमारी जांच में पता चला है कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ बलात्कार करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तहतर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतर।